Good morning, everyone. So today we will learn about your notepad. हम लोग आज भी क्या सीखने वाले हैं हमारे notepad के बारे में. So you know what is the notepad? Notepad is a like your a notebook. Okay? So notepad में हमें typing कैसे करना है ये तो हमने सीखा. File saving, file को open कैसे करना है, save कैसे करना है. Yes, ये सब सीखा. बट नोटपैड में शॉर्टकट कीज भी है. शॉर्टकट कीज का यूज कैसे करना है ये हम लोग आज सीखेंगे. ओके, योर कॉपी, पेस्ट, कट, न्यू, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, ये सब चीजों के लिए अपने शॉर्टकट कीज भी है. तो इस शॉर्टकट कीज को कैसे यूज करना है ये हम लोग सीखेंगे. ओके, so just wait, I share my computer screen. Okay, all of you see my computer screen? Yes, all of you see? Okay, so now how to open a notepad? अभी notepad को कैसे open करना है सबको पता है कि नहीं? है ना? आई नो सबको पता है, बट फिर से हम लोग एक बार देखेंगे स्टेप्स. सो फर्स्ट यू आर क्लिक ऑन योर स्टार्ट बटन, देन यू क्लिक ऑन योर ऑल प्रोग्राम्स, देन यू गो इन योर एक्सेसरीज, एंड देन इन दैट एक्सेसरीज योर नोटपैड इज देयर. यस, नोटपैड ओपन करने के हमने 3 स्टेप्स देखे. ये हो गई 1 मेथड, ये 1 मेथड हुआ. ओके, और दूसरा मेथड हमने कौन सा शो किया देखा था? यू क्लिक ऑन योर स्टार्ट बटन, देन यू क्लिक ऑन योर दिस सर्च ऑप्शन, यू आर टाइप हियर नोटपैड, सो योर नोटपैड विल अपीयर इन दिस लिस्ट बॉक्स. सो यू आर क्लिक ऑन योर दिस नोटपैड, सो योर नोटपैड विल ओपन. ओके, ये हो गया अपना सेकेंड मेथड. 2 मेथड देखे हमने नोटपैड ओपन करने के. Yes, first start button से step by step जाने का. फिर देन हमने second method क्या देखा? Notepad search करके notepad को open करने का. Okay, same like that अपनी third method कौन सी है? You click on a start button, then you type your run option, then here come is a run. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? Here you type your notepad and you click on the OK button, then also your notepad window will appear on your screen. Yes, so this is your notepad window. Okay, and now मैंने क्या किया? अभी मेरे window का size बढ़ा दिया, maximize किया. I maximize the my notepad window. Yes, okay. So now टाइपिंग कहाँ से होगा? जहां से हमारा कर्सर है, ये जो स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दिख रहा है हमें स्क्रीन के ऊपर, दैट इज द योर कर्सर. ओके, ये कर्सर जहां पे होगा हमारे स्क्रीन के ऊपर, वहां से हमारा टाइपिंग स्टार्ट होगा. यस, यहाँ से हमारा टाइपिंग स्टार्ट होगा. तो समझो आई टाइप हियर 1 सेंटेंस, कंप्यूटर computer does not make mistake. Yes, okay. Oh, yeah.
सी मैंने कुछ तो मिस्टेक किया है ये सेंटेंस टाइप करते वक्त, मेरे वन द वर्ड में मिस्टेक हुआ है, कौन सा तो भी स्पेलिंग मैंने रॉन्ग टाइप किया है, कौन सा रॉन्ग टाइप किया? यस वेरी गुड प्राप्ति, कौन सा स्पेलिंग मैंने रॉन्ग किया है? डस का स्पेलिंग, डस का स्पेलिंग क्या चाहिए? डी ओ ई एस, बट मैंने क्या टाइप किया है? डी ओ एस ई। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये डिलीट करना है, यस यहाँ से डिलीट करके ई के बाद में डालना है, तो अभी मेरा कर्सर कहाँ है? एस के राइट हैंड साइड में है, तो मैं मुझे एस डिलीट करना है, तो दैट टाइम मैं कौन सा की प्रेस करूंगी? सी मैं कौन सा की प्रेस करूंगी? सी मैंने ये अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन किया, अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है? एस के राइट हैंड साइड में है, देन आई क्लिक ऑन बैक स्पेस, तो माय एस विल इरेज, एस इरेज हो गया यहाँ से। अभी मुझे एस कहाँ पे लिखना है? ई के राइट हैंड साइड में, सो मैं मेरा कर्सर मूव करूंगी ई के साइड में, देन आई टाइप हियर एस, नाउ माय स्पेलिंग इज राइट। यस मैंने कौन सा की यूज किया था? बैक स्पेस की। अगर मुझे कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड का कोई लेटर या वर्ड मुझे इरेज करना है, दैट टाइम आई हैव टू यूज अ डिलीट की, सी ऑन अ कीबोर्ड, यहां से मैं अगर डिलीट की प्रेस करूंगी तो ये जो अभी क्या हुआ, स्पेस था इसलिए स्पेस हट गया दोनों वर्ड के बीच में से। अगर मैं फिर से डिलीट प्रेस करूंगी तो क्या हुआ, एन इरेज हो गया। यस एन इरेज हुआ, वाई एन कहां था? हमारे कर्सर के राइट हैंड साइड में। ओके आई टाइप हियर अगेन अ नॉट, ओके दिस इज द वन सेंटेंस। अभी समझो मैं फिर से कोई वन सेंटेंस टाइप कर रही हूं, ओके मैंने वन सेंटेंस टाइप किया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यस दिस इज द वन मशीन। ओके फिर अभी ये मैंने टाइप करके हो गया, अभी आपको फॉर्मेटिंग तो पता है सबको ना, फॉर्मेटिंग कैसे करना है, अगर हमें टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या फॉन्ट साइज चेंज करना है, ओके तो ये तो हमें पता है, कहां से जाना है हमें, फॉर्मेट में से फॉन्ट ऑप्शन में जाके यहाँ से हम लोग हमारा कोई भी फॉन्ट साइज सिलेक्ट करेंगे तो हमारे लेटर्स का जो है साइज और स्टाइल चेंज होगा। ओके नाउ सी मुझे ये ऊपर का जो सेंटेंस है मुझे फिर से नीचे चाहिए, उस सेंटेंस के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, कॉपी करना है मेरे सेंटेंस को, क्या करना है मुझे, कॉपी करना है। So that time I have to select all the sentence. फिर कहां से कॉपी का ऑप्शन आता है, एडिट में, एडिट में से आप कॉपी पे क्लिक करोगे तो आपका सेंटेंस कॉपी होगा। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस सी, क्या है, कंट्रोल प्लस सी, मीन्स अगर मैं मेरे कीबोर्ड से ये कंट्रोल सी, मैंने कंट्रोल प्रेस किया है और एस, सॉरी कॉपी के लिए क्या है शॉर्टकट की अपना, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल एंड सी, मैं दोनों अगर एट अ टाइम प्रेस करूंगी तो मेरा जो सेंटेंस है या कोई भी वर्ड है वो कॉपी होगा। फिर मुझे कहां पे प्रेस करना है इसे, अभी नीचे प्रेस करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अभी मैं कौन सा
की यूज करूंगी इसके लिए कौन सा कमांड यूज होगा, मैंने फर्स्ट क्या यूज किया, वेट मैं आई राइट हियर वन फर्स्ट कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, ओके कॉपी के लिए क्या है कंट्रोल प्लस सी, देन आई अभी मुझे क्या करना है पेस्ट करना है, ओके क्या करना है मुझे पेस्ट करना है मेरे सेंटेंस को, तो पेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे हम कंट्रोल प्लस वी, क्या करेंगे कंट्रोल प्लस वी, अभी मैं कर्सर मेरा ओके नाउ सी मेरा कर्सर हियर है, नाउ आई प्रेस कंट्रोल प्लस वी तो क्या हुआ मैंने क्या किया लुक एट द माय कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर देखो कंट्रोल एंड वी दोनों की मैंने एट अ टाइम प्रेस किया, अभी ये मेनी टाइम्स प्रेस हुआ दैट्स व्हाई कितने टाइम से सेंटेंस कॉपी हो गया मेनी टाइम्स कॉपी हुआ, व्हाई बिकॉज आई प्रेस द कंट्रोल प्लस वी फॉर द मेनी टाइम्स, यस दैट्स व्हाई दे आर सिलेक्टेड द मेनी टाइम्स, ओके मैं इसे डिलीट भी कर सकती हूँ इफ आई एम मुझे नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर सकती हूँ, ये हो गया डिलीट हो गया, यस मुझे सिर्फ वन टाइम दिस सेंटेंस चाहिए तो मैं बाकी के सेंटेंस जो है डिलीट कर सकती हूँ, ओके ये हो गया हमारा कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी मीन्स कॉपी एंड पेस्ट, क्या हुआ कॉपी एंड पेस्ट, नाउ कट एंड पेस्ट, अभी कौन सा की देखना है हमें कट एंड प्रेस, कौन सा की देखेंगे हम कट एंड पेस्ट, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स कंट्रोल प्लस एक्स, कौन सा की प्रेस करना है हमें कंट्रोल प्लस की सॉरी सी, अभी मैं क्या कर रही हूँ मुझे ना ये सेंटेंस यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करना है, अभी मैंने ये सिलेक्ट किया होल सेंटेंस, नाउ मैं क्या करूंगी सी कंट्रोल के दोनों साइड कीज है हियर भी एंड हियर भी, सो कंट्रोल प्लस क्या करना है मुझे कट करना है एक्स, क्या हुआ कंट्रोल प्लस एक्स मैंने प्रेस किया, अभी मुझे वो मेरा जो सेंटेंस है वो कहाँ पे चाहिए यहाँ चाहिए, तो मैं अभी कौन सा की यूज करूंगी पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी, सो मैं क्या प्रेस करूंगी कंट्रोल एंड वी, सी वो सेंटेंस यहां से कट होके यहाँ पे पेस्ट हुआ, यहाँ पे पेस्ट हुआ, कौन सा की यूज किया मैंने शॉर्टकट की कौन सा यूज किया कट एंड पेस्ट, नाउ इसके लिए मैंने कौन सा शॉर्टकट की यूज किया कट एंड पेस्ट का, ओके सो ये हो गया हमारा कट सॉरी कॉपी पेस्ट एंड कट, ये तीनों ऑप्शन तीनों शॉर्टकट कीज होगी, नाउ इसके बाद अपना दूसरा नेक्स्ट शॉर्टकट की है, मैं शॉर्टकट की ये साइड टाइप कर रही हूँ अभी अंडू, हम लोग कौन सा देखते हैं शॉर्टकट की अंडू, अंडू के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू कंट्रोल प्लस यू, ओके अभी देखो मैंने क्या किया था यहां से वो सेंटेंस कट करके यहाँ पे किया, अभी मैंने नीचे सी मैं सम ईयर I type something, okay? Mm.
computer does not take their own decision. मैंने टाइप किया ये अभी. ओ क्या हुआ, गलती से मेरे से ये ना जो वर्ड्स था जो टाइप किया था मैंने वो इरेज हो गया, डिलीट हो गया. अभी अभी मुझे पता नहीं मैंने कौन सा सेंटेंस टाइप किया था, याद नहीं मुझे क्या लिखा था, भूल गई हूँ मैं क्या करूंगी. अभी मुझे वो सेम वर्ड तो मुझे चाहिए, बट क्या हुआ बाय मिस्टेकली मेरे से वो इरेज हो गया, डिलीट हो गया. सो दैट टाइम यू हैव टू यूज योर अंडू कमांड्स, कंट्रोल प्लस यू, सॉरी अंडू के लिए यू आर यूज अ कंट्रोल प्लस यू आर यूज अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड. देखो मैं अभी कंट्रोल प्लस जेड क्यों यू क्यों हो रहा है, मैंने ये इरेज किया था. बेटा हम लोग फिर से देखते अभी यहाँ का हमारा सम ऑन ओके. सो नाउ ये डिसीजन वर्ड मेरे से इरेज हो रहा है, इरेज हो गया, मुझे ये फिर से चाहिए. सो दैट टाइम आई हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, माय वर्ड फिर से आया. क्या किया मैंने अभी, कौन सा की यूज किया मैंने, कौन सा कमांड यूज किया, अंडू. ओके अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जेड. मैंने अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जेड. क्या है, कंट्रोल प्लस जेड, अ शॉर्टकट की फॉर अंडू इट इज द कंट्रोल प्लस जेड. ओके नाउ अभी हमें दूसरा शॉर्टकट की देखना है, योर प्रिंट, प्रिंट के लिए है कंट्रोल प्लस पी. ओके कंट्रोल प्लस पी. और हम लोग वन मोर देखेंगे, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल के लिए है कंट्रोल प्लस ए. देन योर न्यू, न्यू के लिए है कंट्रोल प्लस ओ. ओके नाउ सी हम लोग फर्स्ट कौन सा देखते, कंट्रोल प्लस पी का ऑप्शन फॉर द प्रिंट. नाउ इफ आई प्रेस हियर कंट्रोल एंड पी दोनों एट अ टाइम, अभी कीबोर्ड में से हमें क्या करना है, दोनों की साथ में प्रेस करने. सो ये मेरा अभी प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, माय प्रिंट डायलॉग बॉक्स इज ओपन. सो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते, प्रिंट को सिलेक्ट कर सकते. अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है, यहाँ से हम लोग प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो हमने यहाँ पे बनाया है और वो प्रिंट होगा ऑन योर पेज, हमारे पेज के ऊपर क्या होगा वो प्रिंट होगा. ओके अभी सिलेक्ट ऑल, नाउ सिलेक्ट ऑल, दिस सिलेक्ट ऑल मीन्स क्या है, सिलेक्ट ऑल मीन्स अपने जो डॉक्यूमेंट्स में जितना सारा लेटर है, जितना सारा डेटा हमने टाइप किया है वो सब क्या होगा, वो सिलेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस ए. देखो ये सिलेक्ट हो गया, अब ये होल माय डेटा क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया. ओके नाउ मुझे अगर इसको कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट ऑल किया है, मैं इसे डिलीट भी कर सकती हूँ. इफ आई प्रेस डिलीट तो ये डिलीट होगा, डिलीट हो गया. अभी मुझे फिर से चाहिए, मैं क्या करूंगी, मेरा अंडू कमांड यूज करूंगी, कंट्रोल प्लस जेड. तो माय अगेन मेरा जो डेटा डिलीट हुआ था वो फिर से आया, कंट्रोल प्लस जेड यूज करके क्या किया मैंने, अंडू यूज किया था. ओके
ओके किड्स, आपको यहाँ तक समझ में आया है क्या? सब शॉर्टकट कीज आपको समझ में आया? मैं फिर से एक बार बताऊंगी। ओके सो नाउ हाउ टू सेव योर फाइल। अभी हम लोग क्या देखेंगे, हाउ टू सेव योर फाइल, अभी फाइल को कैसे सेव करना है। ओके यू क्लिक ऑन द फाइल बटन, कहां पे जाना है, योर फाइल ऑप्शन में, देन यू क्लिक ऑन योर सेव ऑप्शन। ओके सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही अपना डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे यू टाइप हियर योर फाइल नेम, नाउ आई टाइप हियर अ शॉर्टकट कीज एंड आई क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, सो माय फाइल विल सेव शॉर्टकट कीज। यहाँ पे नेम आ गया शॉर्टकट कीज। ओके शॉर्टकट कीज करके नेम आया। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू सेव योर फाइल, फाइल को सेव कैसे करना है, ये समझ में आया सबको? यस ओके ऑल द किड्स आर अंडरस्टैंड। सो नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल, अभी हमें फाइल में न्यू फाइल कैसे बनाना है। न्यू के लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एन, सो यू हैव टू क्लिक हियर कंट्रोल प्लस एन, सो सी योर न्यू फाइल विल बी अपीयर। अभी ये पूरा ब्लैंक फाइल आया, होल ब्लैंक फाइल आया। ओके जो हमारा पहले फाइल था वो फाइल आया क्या? नो, अभी मैंने क्या किया था, मैंने न्यू फाइल किया, इसलिए जो पूरा ब्लैंक फाइल ओपन। ओके सो नाउ मुझे वो जो मेरा पुराना फाइल था वो अगर फिर से ओपन करना है, मुझे फिर से ओपन करना है, सो दैट टाइम आई क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन एंड देन यू क्लिक ऑन योर ओपन। क्या करना है, फाइल के बाद ओपन में क्लिक करना है। ओपन के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ओ, क्या है, कंट्रोल प्लस ओ, सो आई क्लिक ऑन योर ओपन। अभी मैंने फाइल को नेम क्या दिया था, फाइल को नेम क्या दिया था, शॉर्टकट कीज, सो आई सिलेक्ट योर शॉर्टकट कीज एंड आई क्लिक ऑन द ओके ऑप्शन। सो मैंने जो मेरा फाइल सेव किया था और मैंने बाद में न्यू फाइल लिया, मींस मेरा ये फाइल क्या हो गया था, क्लोज हो गया था, वो फाइल फिर से ओपन हुआ, ये फाइल फिर से ओपन हुआ, यस, सो दिस इज द योर फाइल ओपनिंग। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू ओपन योर फाइल। ओके फाइल ओपन के लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस ओ, क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस ओ। ओके नाउ सी स्टिल टिल हियर यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल द शॉर्टकट कीज एंड द फाइल सेविंग एंड ओपन, सबको समझ में आया है? All the kids are say yes, but हम लोग फिर से एक बार देखेंगे copy all the shortcut keys। See,
मैंने मैं अभी ये वन वर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ, ओके, मुझे अभी इसको कॉपी करना है. सो कॉपी के लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस सी. सो आई क्लिक हियर कंट्रोल एंड सी, तो ये कॉपी हो गया मेरा ये वर्ड. अभी मैं नीचे, मैंने मेरे कर्सर को मूव किया डाउन में. सो दैट टाइम आई, मुझे अभी क्या करना है, पेस्ट करना है ये वर्ड, मुझे पेस्ट करना है. सो उसके लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस वी, ये ऑप्शन पेस्ट करना है. कंट्रोल प्लस वी, ये डिसीजन आया, वर्ड फिर से आया. मैंने क्या किया था, इसको कॉपी किया था और पेस्ट किया था. ओके, सो सेम योर कट. कट के लिए क्या होगा, यहाँ से जो वर्ड है वो कट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. अभी ये डिसीजन यहाँ से कॉपी होके यहाँ से पेस्ट हुआ. अभी मुझे इसको कट करना है, मैं सिलेक्ट करूंगी इसको. अभी मुझे कट के लिए कौन सा की यूज करना है, कंट्रोल प्लस एक्स और एल्स कट. सो कंट्रोल प्लस एक्स. हाँ, अभी क्या हुआ, यहाँ से डिसीजन वर्ड कट हो गया. मुझे अभी उसे क्या करना है, पेस्ट करना है. तो पेस्ट के लिए कौन सा की यूज करना है, कंट्रोल प्लस वी. कंट्रोल प्लस वी आया, सेम वर्ड यहाँ पे आया डिसीजन, बट यहाँ से क्या हो गया, वो इरेज हो गया, डिलीट हो गया. यस, ये हो गया कट की, कट कमांड. ओके, नाउ यू आर अंडू कमांड. अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड यूज करना है. तो कंट्रोल प्लस जेड, तो क्या होगा, जो हमने पेस्ट किया था वो इरेज हो गया. मैं अगर फिर से अंडू कमांड यूज करूंगी तो वो जो इरेज हुआ था अपना वर्ड वो फिर से आएगा. ओके, ये हो गया अंडू एंड योर कट कमांड. ओके, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए. इससे क्या होगा, हमारा होल डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट ऑल की से. ओके, लेफ्ट क्लिक करोगे किसी भी प्लेस पे जो सिलेक्टेड हुआ है हमारा डेटा वो अनसिलेक्ट हो जाएगा. ओके, यू आर न्यू के लिए कंट्रोल प्लस एन. न्यू करोगे तो क्या होगा, हमारा न्यू फाइल अपीयर होगा. ओपन करना है कंट्रोल प्लस ओ, तो अपना जो फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा. प्रिंट कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी. ओके, तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. ओके, यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टिल हियर. ओके, सो नाउ हाउ टू क्लोज द डॉक्यूमेंट. अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करना है, यू क्लिक ऑन योर क्रॉस बटन. जो हमारा क्रॉस है मींस योर क्लोज बटन. सो इफ यू आर क्लिक ऑन द क्लोज बटन, सो योर डॉक्यूमेंट विल बी इरेज्ड. क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो इरेज होगा. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टिल हियर.